रिवर है और जिसमें ये रिवर क्रूज चल रहे हैं, रिवर क्रूज चल रहे हैं। इस रिवर का नाम ही सिंगापुर रिवर है। इसमें ये एक इस तरह से एक 40 मिनट्स का वॉक होता है जिसमें ये आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक लेके जाते हैं और फिर लेकर आते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे जो एक क्लार्क कुए थे, इन्होंने 19वीं सेंचुरी में ये डेवलप करना शुरू करा। उसके बाद आज क्लार्क कुए जो हैं, यहाँ पे जो घर हैं वो लार्जेस्ट सर्वाइविंग क्लस्टर है। उसके बाद बहुत सारी तरीके से इसके डेवलपमेंट हुआ। सिंगापुर रिवर वॉक इज़ अडॉप्टेड बाई अमेरिकन एक्सप्रेस। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन एक्सप्रेस से अडॉप्ट किया गया है। तो आप व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है। वेल मेरे तो बहुत 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 अच्छे हैं, बिकॉज मैं उस टाइम सिंगापुर में, और सिंगापुर में आज मैं करने वाली हूँ रिवर क्रूज। रात हो चुकी है और पीछे है मेरे रिवर, बोट भी खड़ी है। इस वाली बोट में मैं जाने वाली हूँ क्रूज करने के लिए। 40 मिनट्स का कुछ डिस्टेंस है, तो मेरी वीडियो में डिस्टर्ब मत करो। तो 40 मिनट्स का डिस्टेंस है वो कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रिवर क्रूज में हमें वो दिखाने वाले हैं, किस किस अट्रैक्शन। So, let's go!
भाई ये जो रिवर क्रूज था ये क्लार्क वे में था, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मतलब आपने खुद देखा कि कितना कितना मज़ा आया, आप लोगों ने तो डिजिटली देखा लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, तो कौन सी बात है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो अभी जो मेरे साथी थे, जो हम लोग लाइक चार जने आए हुए, मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी एंड सैम, इन सबसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। आपको कैसा लगा सैम? मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली जो ये लाइव शो था वो बहुत ही शानदार था। क्या सबको आना चाहिए? हाँ, सभी को आना चाहिए। और अराउंड 9 बजे ये होता है मरीना बे के सामने, तो कोई भी आ सकता है और वो एंजॉय कर सकता है। बहुत पैसा वसूल है, पैसा वसूल है पूरा। चलो अब मैं अपने भाई भाभी से पूछते हैं, आप बताओ जो रिवर क्रूज था बहुत औसम था, और फाउंडेशन शो तो किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा औसम था। रिवर क्रूज में आपको मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है तो आपको अच्छी हवा देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी हवा महसूस होगी। और लेकिन उसके साथ साथ जो फाउंटेन शो जब चलेगा तो लाइट के साथ साउंड्स और जो फाउंटेन है उन सबका जो म्यूजिक के साथ सबका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आपको बहुत ही बहुत अच्छा लगेगा। फुल पैसा बस, फुल पैसा मतलब। तो भाई जब भी आप सिंगापुर आओ और क्लार्क वे में आओ तो वहाँ पे रिवर क्रूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, और रिवर क्रूज में 9 बजे के लगभग आप अपना क्रूज लो ताकि आप फाउंटेन शो देख सको। फाउंटेन शो सच में पैसा वसूल था। तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं आज, इस ये वाले ब्लॉग में केवल रिवर क्रूज ही रखते हैं, बिकॉज वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग को भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।